लैंग्वेज, बट दैट वॉज डिफरेंट काइंड ऑफ साइन लैंग्वेजेस. हर स्कूल में डिफरेंट टाइप की साइन लैंग्वेज सिखाई जा रही थी. कोई अगर दूसरे स्टेट में जा रहा है या डिफरेंट स्टेट्स में जा रहा है तो उसको साइन लैंग्वेज कन्फ्यूज़ हो रही थी, अपनी भाषा ही अपने ही लोगों के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता था. तो इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, डेफ कल्चर क्या है. विल गेट टू नो डेफ कल्चर एंड कम्युनिटी. द फर्स्ट थिंग इज़ लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज. एज यू ऑल नो, वी ऑल नीड एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, मराठी, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. सो डेफ कम्युनिटी हैव देयर ओन साइन लैंग्वेज इन विच दे हैव देयर ओन ग्रामर, सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी. यू विल गेट टू नो देयर इज़ अ सेंटेंस लाइक नाइस टू मीट यू, एंड वेन दे डू द साइन लैंग्वेज द ग्रामर इज़ डिफरेंट. सो दे हैव देयर ओन रूल्स, देयर ओन वोकैब एंड देयर ओन सिंटैक्स. डेफ कम्युनिटी एंड आइडेंटिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन यूपी स्टेट्स एंड नॉर्थ साइड स्टेट, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट फोकस दिस डेफनेस और एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी एज अ सिंपैथी. बट एज आई हैव ग्रोन इन बिटवीन दीज किड्स डिमांड्स इक्वालिटी, राइट एजुकेशन एंड पब्लिक सर्विसेज. बट मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद देम आर ग्रीडी. दे आर टाइंग अप विद द गवर्नमेंट एड्स जस्ट बिकॉज शोइंग सिंपैथी. दे आर टेकिंग डोनेशंस सो दैट दे कैन सेटअप अ अचार पापड़ फैक्ट्री. एंड आफ्टर दैट, वेन दीज किड्स मेक अचार पापड़, दे पुट अ बैनर ओवर देयर, दिव्यांग जन द्वारा निर्मित अचार पापड़ खरीदें. दिस शोज सिंपैथी. यू आर बाइंग बिकॉज ऑफ सिंपैथी. आर दे प्रोवाइडिंग क्वालिटी? आर दिस अचार पापड़ हैव क्वालिटी? यू आर नॉट गोइंग थ्रू दैट थिंग्स. यू आर जस्ट बाइंग बिकॉज ऑफ सिंपैथी. एंड दीज किड्स हैव अ डिमांड दैट वी डोंट वॉन्ट सिंपैथी, वी वॉन्ट इक्वालिटी. सो दिस परस्पेक्टिव यू हैव टू चेंज. ड्यूरिंग द सेशन आर अनिमेश सर विल बी टीचिंग, ही इज़ डेफ, एंड रौनक यादव विल बी एज अ वॉलेंटियर. सो डोंट मेक देम फील दैट यू गाइज आर हेयर बिकॉज ऑफ अ सिंपैथी. बी लाइक अ स्टूडेंट, दे आर हेयर टू टीच यू. एजुकेशन एंड एक्सेबिलिटी. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ यू नो हाउ मैनी स्कूल्स आर इन इंडिया वर्किंग फॉर डेफ ऑर्गेनाइजेशंस और इन यूपी? हाउ मैनी डेफ इंडिविजुअल्स आर इन इंडिया? दे आर 18 करोड़ डेफ इंडिविजुअल्स इन इंडिया एंड ओनली 500 to 600 इंस्टीट्यूट वर्किंग फॉर देम, इन विच ओनली 100 to 200 इंस्टीट्यूट आर सीरियसली इन्वेस्टेड इन देम. आई एम गेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेसी. देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, नैड, नेशनल एसोसिएशन फॉर द डेफ एंड ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर द डेफ. एनी प्रॉब्लम इन इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, लेट इट से पब्लिक सर्विसेज, एजुकेशन इम्प्रूवमेंट्स एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एनी प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस आर हेल्पिंग देम टू बिल्ड एंड ग्रो. What kind of challenges they might face? Any idea? What kind of challenges they are facing right now, according to you? Basic communication. Apart from their house, or away from their house. The first challenges become from their home only. If a child is born deaf in India, most of parent things इट इज़ अ कर्स ऑन अस. दे को टू बाबाज 5 to 6 years, 8 years वहाँ निकल जाते हैं. देन डॉक्टर्स उनको अपने जाल में फंसाते हैं कि ये आप दवाई ले लो, ये ऑपरेशन करा लो. 60 to 70% जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन लैक कर देते हैं. जब हमारे इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा आता है, मोस्टली वो बड़ा हो चुका होता है, 8 से 10 साल का हो जाता है, मैक्सिमम 6 से 7 साल का बच्चा हो जाता है, तब उनको पेरेंट्स को ये रियलाइज़ होता है कि इन बच्चों के लिए एजुकेशन एक्सेसिबल है, इन बच्चों के लिए अलग से स्कूल्स अवेलेबल हैं. उससे पहले वो बच्चा नॉर्मल स्कूल में डाल दिया जाता है. ये पढ़ लिख के करेगा क्या? ये तो है गूंगा, ये कर भी क्या पाएगा? बट ये हर वो चीज़ काम कर लेगा जो आप कर सकते हैं. कल हम लोगों ने एक सेशन लिया था ग्रुप ए का, उसमें हमारा एक डेफ इंडिविजुअल था, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर में आपकी का IIT में वो कोर्स कर रहा है एंड ही इज़ डेफ. आफ्टर 12th ही डिड अ हार्ड वर्क, क्रैक JEE IIT एंड ही इज़ इन IIT कानपुर. सो ऐसा कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है जो ये लोग बच्चे ना कर पाएँ. मेन चीज़ डेफ आर्ट एंड कल्चर में भी कई चीज़ें ऐसे, कई स्टूडेंट्स और कई डेफ इंडिविजुअल्स आ गए हैं जो शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, वो फिल्म फेस्टिवल्स में भी भेज रहे हैं. दे आर मॉडल्स,
जो एशियन डेफ मिस वर्ल्ड का भी कंपटीशन जीत रहे हैं, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ये बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट? दिस एक्ट इज स्पेशली डिजाइंड एंड ड्राफ्टेड फॉर द डिसेबल पर्सन्स इन इंडिया। In 2016, RPWD Act have officially announced that ISL, Indian Sign Language, has to be interpreted in all the organizations, in schools, universities, colleges, railway stations, airports, everywhere. It's still in progress. I am not able to see ki wo is tarah achhe tarah se implement ho raha hai, but still in progress. Social media and technology have helped them a lot. Jab main chota tha to मैं एक जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूँ तो मैं वहीं पे रहता हूँ, वहाँ पे हॉस्टल भी रहा है, तो उन्हीं बच्चों के बीच में मैं खेला कूदा सब कुछ किया। तो हॉस्टल में जो बच्चे रहा करते थे उस टाइम फ़ोन आया करता था बटन वाले फ़ोन में पेरेंट्स का, तो वहाँ से तो वो क्वेश्चंस आते थे बट यहाँ से बच्चा अपनी बात वहाँ तक पहुँचा नहीं पाता था। ई यूज़ टू सेट, तो जो इमोशनल कनेक्शन वहाँ पर बनता था वो पता चलता था कि कहीं ना कहीं एक बैरियर बन रहा है। बच्चा अगर 3 महीने 4 महीने अपने घर से बाहर है तो अपने पेरेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। आज के टाइम में जो सोशल मीडिया ने हेल्पफुल किया है, वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर दिया, स्नैपचैट्स भेज दिया, अपनी कोई प्रॉब्लम है रिकॉर्ड करके आगे भेज दी, वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होकर यहाँ पर आ गई। इफ़ ही नीड कि मुझे इतना पैसा चाहिए तो वहाँ पर उसके पास आ गया। ही इज़ एबल टू ट्रांसलेट ही कन्वे मैसेज थ्रू सोशल मीडियाज। सो एनी डाउट टिल हेयर? सो वील स्टार्ट द सेशन फ्रॉम बेसिक ग्रीटिंग्स एंड फ्रेज। आई हैंड ओवर टू अनिमेश सर, ही एक्सप्लेन यू बेसिक ग्रीटिंग्स। कैन यू प्लीज मेक योर हैंड्स फ्री?
He's asking, are you afraid?
Thank you.
repeat. They are saying repeat. How was the session? Any doubt? Okay. Two phrases look similar to the one. One was this, like, how are you? No, no. That was how. Shoulder? How. And meet. No, that is how and meet. That is like how. Hands are like this and meet is this. Clear? How? Any doubt in this? What's the sign of good afternoon? Why this? In sign language, expressions are most important. If your expressions are different and you are signing it different. That is single hand. A, B, C, that is single hand. That is on advanced level. That are single hand alphabets. हाँ वो ये basic है ये advanced level पे. So I was saying that expressions are most important. अगर आपके expressions थोड़े से भी different हो जाएंगे तो आपके sign का मतलब बदल जाएगा. तो अगर पूछ रहे हो तो एक face expression आया, doubt वाला expression आया, and yeah, good, not good. So expressions are most important. और दूसरी बात, जब भी आप लोग sign language use करें तो एक box imagine करें, इसी बीच में आपको हैंड्स रखने हैं, ना यहाँ लेके जाने हैं, ना यहाँ लेके जाने हैं, ना यहाँ. इट इस बॉक्स, उसी के बीच में आपको बॉक्स रखना है, उसी के बीच में आपको पूरा साइन करना है. तो वो ज़्यादा क्लियर रहेगा बच्चों को समझने के लिए, या आप किसी से भी बात करेंगे वो ज़्यादा क्लियर रहेगा. एंड सेकेंडली, ड्यूरिंग द सेशन स्टूडेंट्स जो भी टीचर आपको ऐसे कहेंगे या ये, सो इसका मतलब हुआ पहला साइन जैसे ई का ये हुआ, दूसरा साइन इसका ये भी हो सकता है. सो आपको एक साथ नहीं करना है ये. इफ़ यू आर कन्वीनियंट इन दिस सो आप ये कर सकते हो, इफ़ यू आर कन्वीनियंट इन दिस तो आप ये कर सकते हो. सो बोथ आर साइंस, एक साथ आपको वो चीज़ नहीं करनी है. दूसरी चीज सिस्टर के लिए बताया गया था, वन साइन इज दिस इफ यू आर कन्वीनियंट इन दिस, या दूसरा या. बड़ी बहन के लिए ऐसे कर देंगे, आप साइन करिए बड़ी छोटी, आप सिस्टर का साइन पहले करिए, या ऐसे छोटी बड़ी छोटी बड़ी, वही सेम ब्रदर के लिए जाएगा. सिस्टर पहले आप सिस्टर करिए बड़ी.
face expressions. Family sign. Logic behind the sign. You are protected inside your family. Feel protected inside your family. And second sign is the leader. Mother. Why this? अब वो आपको करेक्ट करेगा, आप बात करो, वो आपको करेक्ट करेगा. आप कर रहे हैं दैट इज द सेकंड साइन. ऑल्सो इन बिटवीन अगर आपको सेशन में कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड. एंड डाउट का साइन ये होता है. रेज योर हैंड. आई हैव अ डाउट. एंड इफ यू वॉन्ट टू आस्क फॉर रिपीट और अगेन, कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन. टेक दिस. Two fingers, swing it, bring it to your thumb. Thumb, yeah, no, this way, right to left. This is again. I have a doubt. Can you please repeat it again? Can you please repeat it again? Again. And remember the face expressions, please. Feel it like dobara bata do. Dobara. Any other doubt till here? Any other confusions? Yes, please. Auntie. First sign is and second sign is whatever is convenient for you. Any other? Father-in-law. Why this? If you want to clap, sign language clappings. Okay. Ma'am. Okay.
So in next session, we'll get to know each other's in sign language. Also, we'll give you sign names. What is sign names? If a deaf individual want to call someone, how will he call? He don't have words to speak. So how will he call? If he want to call me, how will he speak? There are hundreds of people. Who? My sign name is this. So I'll understand, okay, he's calling me. So in next session, we'll give you all your sign names, officially sign names. So ready for that? Thank you everyone for your time.